Hi friends. Hello. Welcome again to our channel Befikre. और आप लोग कैसे हैं? How's life? हम लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. और विकास, आज का वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई इंटरनेशनल लाइसेंस फ्रॉम कुवैत. इस वीडियो व्लॉग्स की काफी रिक्वेस्ट आई. हमारे फैन कमलेश और शालिनी ने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि बताया जाए कि क्या प्रोसेस है इस टाइप के लाइसेंस को अप्लाई करने का कुवैत से. बिकॉज हम लोगों ने काफी जगह ट्रैवल कर रखा है और मोस्टली कंट्री में प्रेफर करते हैं रेंट अ कार ले और पूरी कंट्री को एक्सप्लोर करें अपनी कार से. तो इसका प्रोसेस हम अपने आगे वीडियो में बताते हैं. सो हमारे साथ बने रहें, इस ब्लॉग को पूरा देखें, ध्यान से देखें और सारी इन्फॉर्मेशन ग्राब करें. इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कुवैत इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल क्लब, जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस है. जो ब्रांचेस हैं वो हैं एक शुवेक में, एक फाहिल में, एक जहरा में. और हम लोग गए थे शुवेक की ब्रांचेस क्योंकि वो काफी पास है हमारे. और जो ब्रांच है शुवेक की वो सुल्तान सेंटर के बगल में है. तो आप भी वहां पे जा सकते हैं. और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या टाइमिंग्स है मैं अभी बताता हूँ. एंड जो टाइमिंग है इंटरनेशनल लाइसेंस ऑफिस के, वो संडे टू थर्सडे मॉर्निंग 8 AM टू 1 PM और इन द इवनिंग 4:30 टू 7 PM. और जो डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ ले जाने हैं उसमें आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका लाइसेंस उसकी फोटोकॉपी, आपका सिविल आईडी उसकी फोटोकॉपी. जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करना है, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, टोकन लेना है और ये दे देना है. जो इसकी फीस है कुछ इस प्रकार है. 1 ईयर के लिए वो चार्ज करते हैं 10 KD, 2 ईयर्स के लिए दे आर चार्ज 18 KD एंड 3 ईयर्स के लिए चार्ज करते हैं 24 KD. और जो पेमेंट है वो बेसिकली कैश में की जाती है. तो अपने साथ आप कैश लेके जाए बिकॉज वहां पर कोई भी कैनेट फैसिलिटीज नहीं. और जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो दे विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स. और एक बारी वेरिफिकेशन खत्म हो गया सो आपको पेमेंट करनी है जो कैश में है. तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी इस टाइप की, ऐसी रिसिप्ट मिलेगी आपको. एंड रिसिप्ट के बाद आपको इस टाइप का लाइसेंस मिलेगा. और जो ये लाइसेंस है ये मैंने 1 ईयर के लिए बनाया था. इसमें पीछे फोटो यहाँ पे लगाई जाएगी और इसकी इशू डेट एक्सपायरी डेट को यहाँ मेंशन किया जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इसमें मेंशन कर रखा है. और यहाँ पे बता रखा है कि इस लाइसेंस से आप कौन कौन सी कंट्रीज में गाड़ी चला सकते हैं. इस पूरे प्रोसेस को आपको 10 to 15 मिनट्स पे आपका लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा. पर ध्यान रहे, जब भी आप लाइसेंस अप्लाई करने जाए तो आपका कुवैत का जो लाइसेंस है वो वैलिड होना चाहिए. अगर वो वैलिड नहीं है तो ये आप लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते. ये इंपॉर्टेंट टिप है. और अब जब आप ट्रैवल कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में और आप ड्राइव कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं व्हाइल ड्राइविंग. जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ओवर स्पीडिंग बिकॉज वहां पे बहुत हैवी फाइन्स हैं सारे जगह. तो आपको बहुत ध्यान से सारे काफी हर जगह के कैमराज लगे हुए हैं जगह जगह पे रोड्स में. तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है क्योंकि बहुत हैवी फाइन्स हैं. और इवन जो कार की पार्किंग है वो भी बहुत ध्यान से करनी है. जो अलॉटेड जगह है बस वहीं पर ही पार्क करनी है और जो अलॉटेड टाइम है उस उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ही पार्क करनी है. अगर आपने उससे ज्यादा पार्क करी तो डेफिनेटली यू विल हैव लाइक अ ह्यूज फाइन. और थर्ड पॉइंट है रैश ड्राइविंग. आप अगर वहां पर है ड्राइव कर रहे हैं तो रैश ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, लेन ड्राइविंग करें और वहां के रूल्स को फॉलो करें. अगर आप नहीं करते तो आप पे फाइन भी हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो और ड्राइव कर रहे हो तो आपको उस टाइम पे अपने दोनों लाइसेंस आपके साथ कैरी करने हैं, लोकल लाइसेंस एंड इंटरनेशनल लाइसेंस. क्योंकि जब आपको पुलिस चेक करेगी तो आपके लोकल लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, आपका वीजा सब कुछ चेक किया जाएगा. तो ये होना चाहिए. अगर नहीं होगा देन यू विल बी इन द ट्रबल. सो बी सेफ. और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारे जो हमारे टिप्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, बहुत हेल्पफुल रहेंगी अगर आप लोग भी फॉरेन में ड्राइव करते हैं और इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई करते हैं. तो सो गाइज, और आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं. आई होप आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आएगा, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग से ग्रैब करेंगे. सो गाइज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर.
And don't forget to follow us on where, Vikas? Instagram. And Facebook. जहाँ पे हम अपनी regular stories और posts डालते रहते हैं. So guys, keep watching. Thank you. Bye.